सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं NCB बैंक का, कि हम लोग इंडिया जब पैसा भेजते हैं तो कितना भेजे थे, किस तारीख को भेजे थे और डेट क्या था, वो सब चेक कर सकते हैं। अगर मैं सऊदी अरब में ही भेजे हैं तो उसका निकाल सकते हैं, या उसका चाहे तो उसका स्लिप भी निकाल सकते हैं। अगर मैं उसका स्लिप नहीं निकाला है और आपकी कंपनी में भेजी हुई पैसा कितने तारीख को कंपनी डाली थी हमारे बैंक अकाउंट में, तो सब देख सकते हैं, कितने तारीख को विड्रॉ किए थे सब देख सकते हैं। तो कैसे चेक करना है कितने, तो आपको गूगल में हम नेट बैंकिंग के थ्रू बता रहे हैं, तो आप अलहली ऑनलाइन उसको सर्च कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट पेज है इसका वेबसाइट, और उसके बाद सर्च करने के बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं, डालने के बाद लॉगिन करते हैं। और अभी गूगल से हम बता रहे हैं, अगर मैं ऐप के माध्यम से जानना है तो इस जैसे अगर मैं गूगल से देख लीजिए, और ऐप के माध्यम से भी इसी वीडियो के बाद बताएंगे, तो लास्ट में हम ऐप के बाद ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम उस वीडियो में ऐप के माध्यम से दिखाएंगे कि उसे कैसे चेक कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे तो पासवर्ड आएगा तो डालना ही पड़ेगा, तो हम अपना डाल दिए और ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपका नेट बैंकिंग खुल जाएगा, और फिर आपको जाना है अकाउंट्स में, इस पर क्लिक करना है। इधर लिखा रहेगा डिटेल्स स्टेटमेंट्स, देखिए इस पर क्लिक करना है। और देखिए चाहें तो आप यहाँ तारीख से भी निकाल सकते हैं, तारीख से भी निकाल सकते हैं। तो हमने तारीख से भी देखा, मगर हमको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा बहुत से भाई हमको परेशान कर रहे थे, तो मैं बोला तब तक इसको ही निकाल देते हैं, और कुछ ही समय में हम ये बता देंगे कि आप डेट से कैसे निकाल सकते हैं, कि हमारा पैसा कितने तारीख से कितने तारीख कितना हज़ार भेजे हैं कितना हज़ार। तो डेट कैसे भी पर हम 10 दिखाएंगे, 10 ट्रांजेक्शन जो भी हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा या डेबिट होगा, वो सब दिखाएगा इधर 10। तो ये देख सकते हैं अभी हमारा इसी महीने में अभी हमारा 10 इसमें दिखा रहे हैं, कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना कैश विड्रॉ हुआ है, कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसमें सब दिखाएगा 10। तो आप लोग भी देख पाएंगे, ये लोकल का हम दिखा रहे हैं, इतना बता रहे हैं सऊदी में हम भेजे हैं इतना पैसा, और अगर मैं आप इंडिया में पैसा भेजे होंगे तो उसका कहाँ से देखना है, चलिए हम दिखाते हैं आपको। इधर ही आना है, देखिए हाँ एक बात और भूल गए, इसको अगर मैं PDF जिसे किसी के पास हम ट्रांसफ़र करते हैं और उसका स्लिप निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हम चलिए हम देखते हैं बताते हैं आपको। स्लिप देखिए अगर मैं उसको उसका देख लीजिए अकाउंट जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखिए ये आ जाता है इसे, ठीक है। उसका दिखाएगा कि हम इतने रुपए ट्रांसफ़र किए थे, इतना रियल और इतना, और चाहे तो आप यहाँ से इसको स्लिप भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे तो सब 10 ट्रांजेक्शन का आ जाएगा, तो हम इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ओपन करते हैं। देखिए लोड हो रहा है, तो देखिए सब आ जाता है कि हम कब कितने बजे ट्रांसफ़र किए थे, सब डिटेल ही आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी कर पाएंगे, ठीक है। और बता दें ये भी कि इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र किए थे तो कब कैसे चेक करना है, तो आपको आना है, फिर से थोड़ा जूम करता हूँ और देख लीजिए यही लाइन है इसमें, तो आपको आना है QPay में, QPay पर हम क्लिक करते हैं। जैसे QPay पर क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन हिस्टोरी ऐसा ही है, ऐसे इस पर क्लिक करना है, हिस्ट्री है, और देखिए हमने कब कब ट्रांसफ़र किए थे ये सब दिखाएगा। सॉरी फिर हम ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं और ट्रांसफ़र इसी पर क्लिक करते हैं, हाँ देखिए अभी दिखा दिया, तो कुछ गलत हो गया था इसके लिए सॉरी।
और देखिए हमने ज़्यादा इसे ट्रांसफ़र तो करते रहे हैं, माल रांची से करते हैं, तो हमने इस तारीख को अपने इंडिया में ट्रांसफ़र किए थे, और ये इंडिया का रेट दिखाता है पैसा हम कितना भेजे थे, तो हम ऐसे ही भेजे थे, ठीक है। और देखिए और इसको अगर हमें देखना है कितने तारीख को भेजे थे, तो इस पर फिलहाल इसी पर क्लिक करेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो सब दिखाएगा कितने तारीख को भेजे थे, क्या रेट कटा था, क्या जो भी है ओके, और क्या रेट चल रहा था, ठीक है। और चलिए हम ऐप के माध्यम से बताते हैं, तो अभी इससे समझ गए होंगे, और कोई मन में शंका है तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम ऐप के माध्यम से बताते हैं, हम ऐप में आ जाते हैं, देखिए अलाली का है, ऐप पर क्लिक किए हैं, अगर मैंने लोड किए होंगे तो अलाली मोबाइल लिखेंगे ना तो प्ले स्टोर में आ जाएगा, और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, तो चलिए हम अपना फटाफट डाल लेते हैं, जो भी हमारा यूजर आईडी है, और पासवर्ड डाल लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, और आपके मोबाइल पर पासवर्ड आएगा, कोड आएगा, तो कोड को एंटर करना है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो हमने गूगल से भी बता दिया और एप्पल स्टोर से तो बता ही रहा हूँ, तो आपको अकाउंट्स पर क्लिक करना है, देखिए इधर भी अकाउंट्स, इस पर क्लिक करना है, यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिया है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखिए वही सब दिखाने लगा, मैं हम कितना भेजे हैं, ये हम सब लोकल में भेजे हैं, तो यहाँ डेट भी दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ डेट भी दिखा रहे हैं कितना तारीख को हम भेजे थे, कब भेजे थे, और 10 ये दिखा रहे हैं, और हम बता रहे हैं ना कुछ ही दिन में हम बता देंगे किसी डेट से चेक करते हैं, या 90 दिन का या साल भर का, तो हमने बहुत से सर्च किए फिर भी हमसे नहीं हो रहा था, तो इसके लिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपको ये बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे पूरा साल का 2 साल का निकाल सकते हैं, तब तक कितना देख लीजिए, ठीक है, 10 का ट्रांजेक्शन कितना किए हैं, कितना डिपॉजिट, कितना क्रेडिट, ठीक है। तो अगर मैं क्यूक पे के देखना है तो थोड़ा बैक चलते हैं, क्यूक पे के दिखाता हूँ, जो इंडिया ट्रांसफ़र करते हैं पैसा उसका देखना है, तो एक क्यूक पे है, क्यूक पे पर क्लिक करते हैं, फिर इधर ट्रांजेक्शन ये हिस्ट्री, इस पर क्लिक करते हैं, और देखिए फिर इधर दिखा दिए कितने तारीख को भेजे थे सर, तो देख सकते हैं, और कब कितने तारीख को कितना इसका फेस कटा था, कितना हुआ था, तो आप लोग भी ऐसे ही चेक कर पाएंगे, ठीक है। और कोई मन में शंका है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो भी बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो या पुराने हैं तो बहुत धन्यवाद हमारा सब्सक्राइब करने के लिए आपको, तो ऐसे ही बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और इंडिया का और सऊदी का बैंक के बारे में जानकारी लेते रहिए, ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।